चलाना चाहें तो स्विच गैस पे इसका खर्चा दिन का 50 रूपए है, और अगर आप इसको सिलेंडर के ऊपर चलाते हैं तो 100 से 150 रूपया इसका दिन का खर्चा होगा। बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपने टब में गर्म पानी करके नहाना है ना, तो उसके लिए ये 6 लीटर बेहतरीन चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुमान बट्टी व्लॉग्स। जी हम आए हैं जिना रोड अनवर एंड संग, सामा भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे गीजर के हवाले से सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि कौन सी कंपनी का गीजर है, जो सा एलपीजी पे चलता है, गैस पे चलता है और बिजली पे चलता है, इनके पास सब वैरायटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समा भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक। समा भाई हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी के गीजर हैं, जो हमारे व्यूअर्स को बहुत वो टेंशन होती है कि यार कौन सा गीजर घर लगाया जाए, जो 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का है, वो जरा कंफ्यूजन रहती है, वो जरा हमें हमारे नाज़रीन को बताएं, जरा गाइड करें। जी हमारे पास बहुत सारी क्वालिटियाँ और बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, हमारे पास लोकल कोई चीज नहीं है, हमारे पास ब्रांडेड चीजें हैं सारी। हमारे पास गोल्डन फ्यूजी भी आपको मिल जाएगा, वैटिका गीजर भी मिल जाएगा, अटलस का भी मिल जाएगा और कैनन का भी मिल जाएगा, राडो का भी मिल जाएगा। जी आइए चेक करवाएंगे। जी समा भाई इसके बारे में बताएं, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला, ये गोल्डन फ्यूजी का सुप्रीम मॉडल है 10 लीटर में। ठीक है, ये किस पे चलता है? ये गैस पे, घर वाली गैस पे भी आपको मिल जाएगा और सिलेंडर वाली गैस पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर घर वाली गैस से हमने सिलेंडर पे चेंज करना हो तो उसके लिए क्या होगा? तो फिर इसके अंदर से जेट चेंज होंगे, जेट चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला, ये जो छोटा ये बड़ा वाला, ये वाला, ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपने टब में गर्म पानी करके नहाना है ना, तो उसके लिए ये 6 लीटर बेहतरीन चीज है। ठीक हो गया, और ये जो प्यारा सा मॉडल लगा हुआ है गोल्डन फ्यूजी का, ये सामने देख सकते हैं यार कितनी प्यारी फिनिशिंग हुई है, ये कितने का है? ये इम्पोर्टेड मॉडल है चाइना के, चाइना पैक है ये, और ये 6 लीटर गोल्डन फ्यूजी में है और ये एलपीजी पे है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये जो नीचे लगे हुए हैं ये वाले राडो के, ये भी राडो 8 लीटर और राडो 10 लीटर में है। ठीक हो गया, तो यार ये मुझे, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हम लोग गीजर लगाते हैं बिजली के वाले से लोग बहुत परेशान होते हैं कि इतने ज्यादा बिल आते हैं गीजर, तो उसके बारे में जरा बताएं हमें। जी समा भाई, अगर ये गीजर है मैं सुबह से लेकर रात तक अपने घर में चला रहा हूँ तो कितनी कॉस्ट आएगी? देखिए नुमान भाई, सर्दियों में तो स्विच गैस आती कोई नहीं, और अगर आप इसको चलाना चाहें तो स्विच गैस पे इसका खर्चा दिन का 50 रूपए है, और अगर आप इसको सिलेंडर के ऊपर चलाते हैं तो 100 से 150 रूपया इसका दिन का खर्चा होगा। जी समा भाई, आपने मुझे ये अभी जो एलपीजी वाले और जो गर्म स्विच गैस वाले जो, वो आपने सब मुझे मॉडल्स दिखा दिए हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और मॉडल्स भी हैं? हाँ जी, गैस वाले तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको इलेक्ट्रिक दिखाता हूँ, आज मेरे साथ। लगे हुए हैं कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल, गोल्डन फ्यूजी के भी हैं और जीएफसी में भी हैं और अटलस में भी अवेलेबल है। ये जीएफसी हैं और ये गोल्डन फ्यूजी के हैं। हाँ जी, ये सब इलेक्ट्रिक हैं। हाँ जी, ये सारे इलेक्ट्रिक हैं। इसमें आपको 10 लीटर गोल्डन फ्यूजी में भी मिल जाएगा और 15 लीटर भी मिल जाएगा, और जीएफसी में आपको इसमें 20 लीटर भी मिल जाएगा, अटलस में आपको 15 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी गोल्डन फ्यूजी की सबसे खास बात यह है कि आप ये देख सकते हैं कि ये 800 पे भी चल जाता है और 1200 वाट पे भी चल जाता है और 2000 वाट पे भी चल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ 2000 वाट पे चलती है, इसमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी और इसमें आप समझ लें कि आधी बिजली खाएगा ये। ठीक है, ये जो है गोल्डन फ्यूजी। हाँ जी जी नाज़रीन, गीजर का मैंने तो रिव्यू आपको करवा दिया है, फिर भी अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये मेरी वीडियो आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए। अपने होस्ट नुमान बट्टी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।